रोजगार देश में युवाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा। यहाँ के युवाओं से बात करते हैं कि उन्होंने आखिर ये ठेला जो लगाया है पकौड़ी का क्यों लगाया है। भैया आप बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभु है। प्रभु कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर डिग्री तो सारी पड़ी मेरे पास में। अच्छा, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं तो पकौड़ी का उसमें काम धंधे नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। नौकरियाँ नहीं मिल रही है कहाँ पे, सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या करें, पकौड़ी का काम करना पड़ रहा है, अब क्या करें। नहीं, पकौड़ी भी आपने यहाँ पर अभी शुरू नहीं की है? शुरू कर लेंगे, नहीं करी तो शुरू में क्या, पकौड़ी तो बेचना है, पकौड़ी अब काम ही नहीं है तो डिग्रियाँ पड़ी हैं, घर डिग्री खराब हो रही है। ये ऐसा तो नहीं कि पकौड़ी बनाने के लिए भी सामान लाने के लिए पैसे नहीं है? तो पैसे काम होगा जब भी, तो पैसे हो ना तो आपके सामने पड़ा है साहब, काम चलेगा, धंधा चलेगा, धंधा चलेगा। युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, ये इनका कहना है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरी नहीं है, नौकरी कहाँ है, डिग्रियाँ इनके पास है लेकिन नौकरी नहीं है। और जो युवा इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं उनसे पूछते हैं, सर आप युवा हैं, आप क्या मानते हैं कि युवाओं की जो नौकरी का वास्तव में बड़ा संकट है देश में? बिल्कुल सर, जो है बिल्कुल देश में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा संकट चल रहा है अभी, और जो है युवाओं को बिल्कुल नौकरियां नहीं है। अभी कल भी अखबार में आया था 3 करोड़ पता नहीं कुछ है उनके पास भी नौकरियां नहीं है। तो जिस तरह से मोदी जी अभी 2-4 दिन पहले युवाओं को संबोधित कर रहे थे स्कूलों में कि अभी पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, टेंशन मत लेना, लेकिन युवा कह रहे हैं कि टेंशन इस बात की है कि पढ़े लिखे करेंगे क्या, डिग्री हासिल कर लेंगे लेकिन डिग्री का क्या करेंगे। बिल्कुल, पढ़े लिखे लड़के जो बैठे हुए हैं उनके पास में बहुत डिग्रियाँ है, सब कुछ है, लेकिन नौकरियाँ बिल्कुल मिलती नहीं है। और जो भी नौकरियां मिलती है जो यही मिलती है, बस पकोड़े बनाओ, तेल लाओ, ये लाओ, सब्जी लाओ, वगैरह वगैरह, बस और कुछ नहीं है, छोटा मोटा धंधा है यहाँ पे। धन्यवाद। और युवा है इस भाई से पूछते हैं, भैया आप कहाँ से आए हो? बाड़मेर से हूँ। वैसे बाड़मेर से जयपुर रहते हो, आपको क्या लगता है कि देश में वास्तव में तो नौकरी का संकट तो है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल नहीं पा रही है, इसी कारण इस तरह के नज़र देखने को मिलते हैं? मतलब नौकरी बहुत कम है लोगों को, जैसे बेरोजगारी ज़्यादा है, वो जो मतलब अपना आंकड़े भी देखते हैं उसमें भी जो देख रहे हैं, जैसे बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये बात तो सही है। बिल्कुल, ये जो नज़ारे हैं ये रामनिवास बाग में इस तरह के देखे जा रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर जो युवा हैं उनका कहना है कि डिग्रियाँ उनके पास है लेकिन रोजगार नहीं है। वो केंद्र सरकार से इसी तरह की गुजारिश कर रहे हैं कि जो वादा उन्होंने किया था सत्ता माने से पहले कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, देश में जो मंदी है उसको दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, लेकिन ये वादे पूरे कब होंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप स्वराज।